दोस्तों नमस्कार। और आइए आज हम एक पैड के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सीखने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए और कोई भी अगर सीखना चाहे तो ये पैड बिल्कुल ही अच्छा है सीखने के लिए। के स्टेज के लिए बहुत इसको कम यूज करते हैं। ये रॉक स्टार पैड प्रो है। पहले रॉक स्टार था पैड 20, अब रॉक स्टार पैड 20 प्रो आ गया है। तो इसमें कुछ ढोलक वोलक वोलक का, कुछ डफली वगैरह का अच्छा दिया हुआ है टोन। वो देखिए इसमें कुछ नहीं रहता है, पहले से आपको ये सिंपल सी रहता है। आप देखिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। पहले ऑफ करके फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये स्विच बटन इधर है, ऑफ में कर दिया। फिर मैं ऑन करता हूँ तो इसमें कोई अच्छा नहीं रहता, ड्रम रहता है इसमें, बिल्कुल ड्रम ही रहता है। और इसका जो भी है इसको बनाना पड़ता है। देखिए ड्रम वाला, ठीक है। इस तरह से इसका सिर्फ ये रहता है और कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल खाली सा रहता है। तो पहले पैच बनाने के लिए किट में जाना पड़ता है। तो किट में भी उसी तरह का सेम पैटर्न वन से स्टार्ट है। और देखिए बिल्कुल नॉर्मल से इसमें जो ये है, बिल्कुल इसमें साइड में लिख रहा है ये कौन सा वॉइस आप यूज कर रहे हैं, ये किट नंबर लिख रहा है कितना का है। और ये बीट बाय बीट ये चलता है टेम्पो का, ये मेट्रोलम वगैरह का इससे स्टार्ट होता है। और ये देखिए एक सिस्टम, तो मैं किट को दबा दिया। और ये नंबर सिस्टम है, नंबर से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मुझे 50। और ये बता दूं दोस्तों, जो भी पैच बनेगा ये 50 के प्लस से ही बनेगा। तो मैं 51 से बना हुआ है, तो 51 से ये मैं पैच बनाया उसका। देखिए इसमें रोलिन की तरह बैंक ये भी नहीं होता है, बस ये आ गया, बस काफ़ी डबल में नहीं होता है। देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी दिया हुआ है लेकिन ये इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है, प्ले लूप के लिए दिया हुआ है। इसमें लूप भी फिल नहीं हुआ है, एडज रिकॉर्ड करने के लिए दिया हुआ है। पैटर्न में चलिए, पैटर्न अभी खाली बना हुआ है, इसमें कुछ बना नहीं हुआ, बना सकते हैं आप पैटर्न में, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जाऊँगा, 051 से स्टार्ट है। देखिए मैं बजा के दिखाता हूँ आपको, बना हुआ है मेरा। इसको मैं बनाया हूँ और बनाने के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा आप लोग, मान लीजिए इसमें चेंज करना है। ढोलक का टाकी बहुत ही अच्छा प्रो में दिया हुआ है, ये उसमें रॉक स्टार 20 में था लेकिन प्रो में अच्छा। देखिए इसको मैं चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको मेन्यू बटन में जाना है। फिर आप देखिए LCD में ड्रम आ गया, तो ड्रम इसको एक बार स्लाइड करना नीचे, डाउन की ओर करना। देखिए अब इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, तो इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे इंटर दबा दीजिए, इंस्ट्रूमेंट पे इंटर दब गया। अब देखिए आ गया सारा चीज़ दिखाएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें जिसमें देखिए यहाँ लाइट भी जल रहा है, ये वाला है। देखिए जितने भी है वह सब सारा में दिखेगा, लाइट भी जलेगा पैड्स के ऊपर। सिंगल सिंगल है, मान लीजिए मुझे इसे चेंज करना है तो इस पर क्लिक कर लेना है। और इसको ये आप प्लस करके देख सकते हैं कि इसमें क्या है। देखिए देखिए अब इसको जोर लगना लगाना जो लगाना है आप लगा सकते हैं। और मैं बता देता हूँ,
दिखाता हूँ आपको ये। देखता हूँ कैसे बजता है, ठीक नहीं बज रहा है। तो मुझे वो फिर से लाना है, वही जो था इसके इसमें था वही लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ जीरो। सॉरी, इसको नंबर दबा के मैं जा रहा हूँ नंबर इस पर 500। ये मैं रखा था, इसको स्लाइड करके आप देखिए इसका वॉल्यूम देख सकते हैं। इसे वॉल्यूम आ गया मेरा, देखिए नीचे करते जाइएगा तो वॉल्यूम आप कितना चाहते हैं। और फिर ये थी सेंटर है, ये CTR, तो CTR ये लेफ्ट राइट के लिए है। और फिर ये देखिए रिवर्ब के लिए है, और ये पेज के लिए है। मुझे पतला करना है, जैसे जितना करना कर सकते हैं। और ये रिसेप्ट के लिए, ऑन ऑफ इसको भी कर सकते हैं। देखिए ग्रुप वन ए म्यूट के लिए, ठीक है, किसको किसको कितना किसमें म्यूट करना है वो उसके लिए है। तो ये हो गया। और देखिए सेव करने के लिए सीधी से देखिए सेव लिखा हुआ, कॉपी प्लस सेव, तो आप इसको इंटर करके, और ये देखिए बता रहा है आप कितने नंबर में सेव करना चाहते हैं। सेव टू टू मैंने कितने नंबर पे करना चाहते हैं, ये वाला आके 51 से लेके मुझे 56 में करना है तो 56 में हो जाएगा। और मुझे इसी में रखना है तो 51 में ही रख सकते हैं। तो 51 इंटर का एरो बता रहा है, तो मुझे इंटर दबाना है। और इंटर दबाने के बाद देखिए बता रहा है क्रिएट, नो के लिए माइनस और एस के लिए प्लस, तो मुझे क्रिएट करना था, एस के लिए मुझे प्लस दबाना है। तो देखिए यहाँ सक्सेस हो गया। अब सक्सेस हो गया, अब मुझे ये ऑन ऑफ कर दूंगा तो भी ये रहेगा टोन। देखिए स्टार्ट करने पहले किट में ही जाना पड़ेगा आपको, और 051। अब देखिए मैं बजाता हूँ। और बनाया था दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं बताऊंगा जहां तक हो सके।